हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। हरियाणा में 17 अक्टूबर को 25,000 भर्तियों का रिजल्ट आया था। भाजपा सरकार, हरियाणा सरकार 25,000 भर्तियों का जश्न लगातार मना रही है। नई भर्तियों की शुरुआत कब होगी? 50,000 सरकारी नौकरियों का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? पूरा हरियाणा इंतज़ार में है। आज इसके बारे में अपडेट आई है। क्या अपडेट आई है जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए जानकारी लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, आने वाली सभी भर्तियाँ ग्रुप सी और ग्रुप डी की सीईटी के बेस पर होगी। सीईटी का हमने नया बैच स्टार्ट कर दिया है। जो साथी नया बैच ज्वाइन करना चाहता है, अच्छे से तैयारी करना चाहता है तो बैच को ज्वाइन कर सकता है। आज यदि आप ज्वाइन करोगे 2,999 रुपये वाला बैच आपको मात्र 999 रुपये मिलेगा। KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर यह बैच है, डेमो भी है। आप डेमो देख के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में है। तो अब देख लेते हैं जी क्या अपडेट आई है। तो यहाँ पर दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपा हुआ है। इसमें क्या लिखा है? अब 25,000 भर्तियों का बहुत हो गया जश्न, नई भर्तियाँ शुरू की जाए। और ये शायद हरियाणा के हर युवा के मन में है कि नई भर्तियाँ कब शुरू की जाएगी, क्योंकि 25,000 भर्तियों का तो जश्न पे जश्न, जश्न पे जश्न, जश्न पे जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन वो नई भर्तियाँ शुरू करने की बात कही गई थी, कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार इस चीज़ को भूलती जा रही है। तो गलियारे में चर्चा हो रही है कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में सरकारी नौकरियां मेरिट मिशन के आधार पर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने इन चीज़ों का खूब प्रचार प्रसार किया है और प्रशंसा की हरियाणा सरकार की। ये बहुत बढ़िया तरीका है नौकरियाँ देने का और हरियाणा सरकार ने इलेक्शन के टाइम पर इन चीज़ों का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और इनके दम पर फिर सरकार सत्ता में लौट आई। 17 अक्टूबर को 25,000 भर्तियाँ की गई, लगातार उसका जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात सरकार को समझनी होगी कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है भर्तियाँ करने की, ना कि उस चीज़ों का कोई एहसान दिखाए और लगातार उन चीज़ों का ही जश्न मनाए। यहाँ पर भर्तियाँ लगातार होती रहनी चाहिए, तभी मामला सही होगा। देखिए, सरकारी पद रिक्त न रहे, उन पर भर्तियां होती रहे, इसे निर्बाध रूप से जारी रखना चाहिए, ना कि केवल इलेक्शन के टाइम पे। लाखों युवा सरकार की तारीफ तरफ देख रहे हैं कि अगली भर्तियों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, शेड्यूल जारी किया जाए जैसा कि संकल्प पत्र में वादा किया गया था। इसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में संशोधन की ज़रूरत है। जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक टेस्ट नहीं होगा, जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक भर्तियाँ आगे नहीं हो पाएगी। सीईटी में संशोधन करने के लिए हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास 23 अक्टूबर को पत्र लिखकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से टिप्पणियां मांगी थी कि भाई क्या क्या सुधार करना है बता दीजिए। लेकिन बताया जा रहा कि 3 नवंबर तक ये टिप्पणियां नहीं भेजी गई है। गलियारे में चर्चा है कि सरकार सीईटी में जल्द से जल्द संशोधन कर संकल्प पत्र में किए गए संकल्प अनुसार 2 लाख भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू करे। दोस्तों, 5 साल में बताया जा रहा है कि 2 लाख सरकारी नौकरी और 1 साल में दोस्तों बताया जा रहा है, इस 1 साल में 50,000 सरकारी नौकरियां देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। लेकिन इस जश्न से बाहर निकलेगी तब वो भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ा पाएगी। और हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके सीईटी का शेड्यूल जारी करें और सीईटी के लिए आवेदन भरवाएं और फिर सीईटी का टेस्ट लें। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? 50,000 सरकारी नौकरियां जो आएगी, इंतज़ार में पूरा हरियाणा है। आप किस पोस्ट पर काम करना चाहते हैं, आप किस पोस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। और सीईटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो KTDT ऐप पर अवेलेबल है, डेमो देख के आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।